गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। तो भाई एक भैया कह रहे कार्टून होली के दिन मेरी बकरी ने 5 अंडे दिए हैं। हा? अच्छा हुआ भाई खाली तुमने भांगी पी तभी बकरी के तुम्हें 5 अंडे दिखाई पड़ रहे हैं, वरना देसी पौवा मारे होते तो डायनासोर के भी अंडे दिख जाते। घर पे गन पड़ा हुआ है वो नहीं उठाएगा ना। गन नहीं उठ रहा है, थोड़ी कोशिश करो भाई, थोड़ा जोर से उठाओ तो उठ जाएगी। किधर से हो भाई? मैं तो भाई इंडिया से हूँ, आप कहाँ से हो? पाकिस्तान से। ओ भाई खुशामदीद खुशामदीद। सही बोला कि नहीं भाई? ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इंडिया अच्छा इलाका है नहीं है भाई? बहुत अच्छा इलाका है भाई, बहुत अच्छा, एक नंबर का है भाई। हम लोग पार्टी करते ब्रो, पार्टी, वी आर पार्टी एनिमल्स ब्रो। इंडिया भी आएगा यार, ये देख लो पार्टी का नाम सुन के अब इनके भी मुंह में पानी आ गया, अब इनको भी इंडिया आना है। आ जाओ भैया, कौन रोका है? अब बस टिकट मिकट वीजा वीजा बना। अबे भाई आना तुमको है ना, तो तुम टिकट वीजा बनवाओगे, हम कहे बनवाएंगे भाई, बारात में आए हो क्या? हाँ? अबे भाई तुमको आना है ना, तो तुम अपना पैसा खर्चा करो, हम कहे तुम्हारा टिकट उकट खरीदेंगे। और भाई इस मैच में जो हमारे टीममेट्स थे, एक थे इशक, एक थे सचिन और एक थी चंदा। अब ये चंदा चंदा के रूप में चुड़ैल थी कि क्या थी कुछ पता ही नहीं चला, कहीं से पूरे मैच में इनके मुंह से नच्चू निकली नच्चा निकली। कौन सी जगह पर है वो? भाई रजनीगंधा वाले यही ड्रॉप भेज रहे थे और हम तो अपना बतियाने उतियाने में बिजी थे, तब तक इधर से हमको एक बोट की आवाज आती है। हम क्या भाई बंदे आए हैं तो एक ही बंदा खाली दिख रहा था, और भाई ये हमारी गलतफहमी थी, बंदे मगरमच्छ की तरह स्लोली स्लोली स्विमिंग करते हुए इधर ही आए थे ड्रॉप लूटने के लिए। तब तक एक बंदा पीछे से गोली चलाने लगता है और 4 नंबर आराम से उधर ड्रॉप लूट रहे हैं। अरे मारो भैया, 4 नंबर पीछे बंदा है, क्या कर रहे हो भाई? पूरी स्क्वाड ने घेर लिया है। चंदा, ए चंदा जल्दी आओ। इससे पहले कि ये लोग तट पे पहुंचे जल्दी चलो। ठोक डालूंगा, मार डालूंगा भाई साहब, 3 के 3 बंदों को पानी में ठोक डाला। अब जैसे ही इनके दोस्त को मारा तो इनके एक बंदे जो आखिरी थे वो बाउंड्री लाइन पे थे। हम कह रुक जा भाई, अभी पेटी मत लूटो, अभी एक बंदा और है। अरे रुक जा भैया, तो ये लोग मारने वाले थे ही नहीं। हम क्या जब खोपड़ी पे गोली पड़ेगी तब समझ में आएगा तुम लोग को। अब भाई ये लोग सामान गुबर गुबर उठा जा रहे हैं, वो बंदा गोली मार ही नहीं रहा था। हम क्या लग रहा चला गया, उठाओ भैया वरना कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जैसे ही पेटी लूटने गए गोली चलाने लगा। हम क्या भागो भाई, एनिमी को पता नहीं हमसे क्या दिक्कत थी, इशक जी आराम से वहां पेटी लूट रहे तो उनको नहीं मार रहा है, और हम जैसे ही पेटी लूटने जाते हैं हमको गोली मारने लगता है। गधा, पागल, उल्लू का पट्टा। अरे जाने दीजिए महाराज, वरना कुछ बचेगा नहीं। अब दौड़ के जाके देख रहे हैं भाई, सब कुछ है ही नहीं, M4 सब गायब। क्या भाई 4 नंबर सब लूट लिए यार तुम अकेले? तुम किधर हो भाई? हम हैं गुइया के खेत में। बे भाई तुम्हारे पीछे ही तो खड़े हैं। एक नंबर हो, क्या चाहिए? छोड़ो भाई सामान वामान बाद में लेंगे, पहले वो आखिरी बंदे को चलो चल के निपटा दिया जाए। हो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसे नवाबी हो गई, तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। आगे भैया आ जाओ, भम 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 चलो पर। तो इसी बात पे एक शराबी वाला सिर अर्ज किया है कि ख्वाहिशें हैं इतनी कि जीने नहीं देती, मंगलवार को बीवी पीने नहीं देती। अरे क्या कहें मेरे नौजवान दोस्तों, फटा है कच्चा हमारा, पर ये बीवी ससुर है कि सीने नहीं देती। अबे यार ये ग्रोजा कितनी हिलती है भाई, इसको चलाने पे तो मुझे चक्कर आ जाएगा, बदलो भैया ये गन जल्दी चेंज करो। अब भाई हमारे टीममेट्स एकदम चुप थे, हम कह लो थोड़ी इन लोग को खुजली कर दी जाए। हेलो भाई ये क्या मसला चल रहा है? हेलो ये मसला क्या है भाई? अरे भाई हम पूछ रहे हैं ना कि ये मसला क्या है, ये मसला। अरे भाई भाई ये लोग तो इतना धीरे बोल रहे थे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब लाउड स्पीकर लगा के इन लोग की बात सुननी पड़ती तब सुनाई पड़ता, ऊपर से कुछ भी पूछा तो ए बे चे पे। बे भाई ये तो खोपड़ी पे गोली मार रहा है, रुक जाओ भैया रुक जाओ। अरे दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, ऊ ऊ पिचकियाओ।
मतलब दिख रहा है कि गाड़ी आ रही है लेकिन खुद को स्टील मैन समझ रहे हैं। सोच रहे इनसे टकरा के हम लोग पहुंच जाएंगे पर लोग और वहाँ दादाजी के साथ घुगुआ मामा खेलेंगे। घुगुआ मामा भाई तुम लोग गाड़ी से उतरना नहीं, बस गोली उली चलाते रहो। तो चंदा जी आराम से गाड़ी में बैठी थी। अरे गोली चलाइए भैया, चंदा जी क्या कर रही है, भम 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 चलो ऊपर। भैया एक किल तो फ्री में पबजी लाइट वालों को मिल गया। जब हम गाड़ी छोड़ दिए थे ना तो वो गाड़ी जाके बंदे के ऊपर चढ़ गई थी पर वो किल हमको मिला नहीं। हम कहे कोई बात नहीं। हेलो भाई, ये यार तुमने बताया नहीं ये मसले का क्या हुआ भाई। अरे भाई ये जो रसिया और यूक्रेन के बीच में मसला चल रहा है ना, ये मसला क्या है भाई, ये मतलब लफड़ा क्या है। अब भाई ये लोग अंगा चा चा था छैया शुरू कर दिए। हम क्या छोड़ो भाई, तब तक केडी भाई देवता आ जाते हैं। अरे आइए आइए, लो भैया चंदा ने किल ही चुरा लिया। एक किल पबजी वालों ने चुरा लिया, एक किल ये चंदा महारानी जी ने चुरा लिया। हमारा तो एकदम ब्लड प्रेशर ही हाई होना चालू हो गया। पर हमने कहा टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, आई सेड काम डाउन। गाड़ी गाड़ी में चलो, आ जाओ भाई चलो चलो। अब भाई जोन बना था कैनियन के पास और रजनीगंधा वाले इधर ड्रॉप भेजे थे और भना भन गोलियां चली पड़ी थी। ऐसा लग रहा था दिवाली एकदम आ गई है। हम कह रुक जा भाई, बीच में नहीं घुसेड़ेंगे, पता चला सब मार मुन ना दे। तो देख रहे एक बंदा गोली चला के किसी को मार रहा था, तुरंत इनको प्रसाद देते किनारे होते। हम कह फिर फेस रिवील करता है, भाग भाग जल्दी भाग। अब एक आदमी को तो यार ठेल दिया पर कितने बंदे हैं बाउंड्री लाइन के पीछे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हम कह चलो भाई चलो चलो जल्दी चलो रस कर दिए जाए। तब तक एक आदमी की खोपड़ी दिखाई पड़ जाती है। हम कह लग रहा है एक और बंदा है और वो पहाड़ पे सांबा जी को देख लो। अब एक तरफ से हम मार रहे थे, एक तरफ से चार नंबर मारते हैं, तुरंत एक और भाई साहब पेट पकड़ लेते हैं और इनके दोस्त पहाड़ पे थे सांबा जी। हम कह सांबा जी अब तुम्हारी बारी है, भाग भाग जल्दी। अरे भाई वो डैमेज है, गाड़ी निकालो जल्दी करो भैया। अब भाई तुरंत बग्गी लेके पहुंच जाते हैं। आओ भाई बैठो। अरे चंदा जी चलेंगी क्या? चंदा सुनो, बंदा दिखे ना तो गोली चलाना, ठीक बैठी मत रहना। ओ चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के पीछे है परांदा, परांदे उते भम 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 चलो ऊपर। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अरे जो हमसे टकराएगा वो गुइया के खेत में जाएगा, अरे जो करेगा कार्टून से छेड़छाड़ उसके देंगे गुर्दे फाड़। अबे भाई ये छत पे कौन है? एक आदमी आराम से बिस्तर उस्तर बिछा के छत पे लेटे हुए थे। तुम लेटे रहो ब्रो, असल में हम लोग की आंखों में होली का रंग चला गया है तो अभी तक निकला नहीं बाहर। तुम लेटे रहो, हम लोग नहीं देखे तुम्हें। अरे भैया ये तो बच गया। अरे भाई तुम लेटे रहो, अभी भी हम तुम लोग को नहीं देखे, असल में मैं एक आंख से काला भी हूं ना। और ये बम देख लो हाथ से ही फिसला जा रहा है। क्या भाई पबजी लाइट हमको उड़ाने का सुपारी परी लिए हो क्या किसी से? नहीं बता दो भाई। भाई इन भाई साहब का तो नीचे आने का इरादा लग ही नहीं रहता। हम कह यार हिल बैटल में ना फंसा दे हम लोग को, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, देखे कर कर रहा है। तो देख लो भाई साहब आराम से चटाई उटाई बिस्तर उस्तर बिछा के लेटे हुए हैं। क्या कर रहे हो भाई ऊपर? दुद्दू पी रहे हो क्या? दुद्दू। अब एक काम करो लॉबी जाओ, वही सोना आराम से। अब भाई इस मैच में जो हमारे टीममेट थे ना वो गर्लफ्रेंड को लग रहा था लेके ऐसे लिखने वाले हैं, तो उन लोग की बातें हम सुन रहे थे। हम क्या बीच में टोकते नहीं है, पहले देखा जाए लोग बतिया का रहे हैं। फिर बोर तो बहुत लगता है, बोर तो लगता है। तो भाई कोई कोई लड़कों के पास गर्लफ्रेंड होती है उनको बोर नहीं होता? गर्लफ्रेंड है तो टेंशन नहीं, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत बोर होता है और टेंशन भी बहुत होता है। इस दुनिया में कितना दुख है भगवान, आप सुन रहे हैं? तो भाई एक को बोला था मैंने, बहुत दिन से बोला था, एक हमको भी देखो ऐसा बोले थे। वो साला क्या किया, हाँ मेरे पास एक नंबर है तुम ले लो करके नंबर दे दिया, साला खुद का ही नंबर दे दिया हमको। ऐसा झूठ बोल के दे दिया। इंतजार की घड़ी तो बहुत रंग लाती है भाई, जितना इंतजार करते है उतना सब्र का फल मीठा होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, सब्र करो लड़की तो मिलेगी, सुंदर जरूर मिलेगी भाई, सब्र करेंगे तो। गर्लफ्रेंड ना सही, शादी करने के बाद अच्छा वाइफ मिलेगी।
भाई ये लोग इतना टेंशन में थे, बीच में हम क्या डिस्टर्ब करते हैं, हम क्या रुक जाओ भाई, दुख दर्द एक दूसरे से तो बांटने से बढ़ता है ना, थोड़ा बांट लेने दो। तब तक भाई इधर एक बंदे की पैरों की खड़बुड़ खड़बुड़ आवाज आती है, हम क्या आने दो भैया को, आओ। अरे शर्माइए नहीं, आइए आइए, भम 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 भम, चलो ऊपर, कपड़ा निकालो इसका, कपड़ा निकालो जल्दी, अब जब ये नंगे लॉबी जाएंगे और जब सब लोग हंसेंगे तब इनको पता चलेगा। भाई अभी तक खाली दो टीममेट आपस में बात कर रहे थे, अभी एक और टीममेट जुड़ जाते हैं। हाँ बोलो भाई, लड़की का लंबा दे हूँ, बात करोगे? यस भाई यस, बात करेंगे। एनिमी एनिमी डाउन, दे दो यार भाई, कौन है लंबा? लंबा देना। एनिमी डाउन। हाँ हाँ यस यस ब्रो यस। भाई मैं इधर अपनी जान पे खेल के बंदों को मार रहा हूँ और इन लोग का हा नंबर दे, हाँ दो, हा नंबर लिखे, हाँ लिखो। सही सही दे दो, सही सही दे दो, गलत मत दो, पिछले इसमें ऐसा ही गलत दे दिया था हमको। जो मेरी फ्रेंड, वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसकी फ्रेंड है, उससे बात कराता हूँ आपकी। अब भाई यहाँ पे हमारी एंट्री मारने का टाइम आ गया। हेलो भाई, नंबर दे रहे हो क्या, हमको भी चाहिए। वो बता रहे हैं ना, उनके दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने भी साथ छोड़ दिया, तो यार इनकी करा सकता हूँ। कितना नंबर है आपका? एक नंबर। तुम दे दो, हम हमारे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ संभाल लेंगे। एक काम करो ना भाई, हम दोनों लोग को नंबर दे दो, जिसका मामला सेट होना होगा सेट हो जाएगा। क्यों भाई, सही कह रहे कि नहीं? हाँ ओके भाई, ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड करनी है तो करेगी। अच्छा भाई एक बात बताओ, हम लोग की होने वाली गर्लफ्रेंड कौन सी क्लास में है? इतना नाइन में फेल है वो। नाइन्थ में फेल? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो यार, लड़कियां तो फेल हो ही नहीं सकती हैं। नहीं ना, झूठ क्यों बोले, जब नाइन में पढ़ी थी उन्हें फेल हो गई, तो मैं क्या हुआ, उन्हें पढ़ाई ना गई। ओके भाई, कितनी भी पड़ेगी लेकिन नंबर तो दे दो भाई। मैं तो बहुत बात करता हूँ साली के रिश्ते से। अच्छा भाई एक बात बताओ यार, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, पैसा तो है नहीं यार ज्यादा, खाने पिलाने पे खर्चा तो नहीं होगा ना? अरे क्या बात कर रहा हूँ भाई, वो रुपए का खर्चा नहीं है, वो सुविधा कुछ खिलाएगी। अच्छा भाई वो खिलाएगी, तब तो भाई मैं चीज पिज्जा खाऊंगा, चीज पिज्जा। मेरी बात सुनो ना, हाथ में 10 रुपए नहीं लगते भाई, हाथ में तो 10 रुपए नहीं लगते। हाँ भाई कैसे निकाले भाई, वो गेम को काटना पड़ेगा ना, उसके बाद लंबा निकलेगा। अरे भाई लड़की का नंबर मत दे, भाई का नंबर ले ले, कॉल करके मंग लेना फिर, ठीक है? सब लोग अपना अलग ही दिमाग लगाए पड़े थे, अब भाई ये लोग हमारा नंबर मांगने लगे कि नंबर चाहिए तो अपना नंबर दो, मैं मैसेज भेज दूंगा। तब तक सामने देख रहे गोईठा उठा जलाए, देखे भैया क्या हो रहा है इधर। अब भाई एक बंदा इस घर में बहुत खतरनाक कैंपिंग किया था, मौली उली जलाया था, हम कहला बम फेंक दे इसके ऊपर। लो भैया, अरे भागो भाई साहब, बम ही छूट जाता हाथ से। तब तक ये चले गए, पैर रखे ऊपर पहुंच गए। अरे भाई हमारे ही हाथ से फिसल गया था ब्रो, अब तुम पैर रख दिए तो हम क्या कर रहे हैं। भैया नंबर बोलो अपना। नंबर पर नंबर क्यों भाई, नंबर किस लिए दे, नंबर बोलो ना, जिसे लड़की का नंबर। भाई ये लोग तो नंबर मांगने लगे, हम क्या क्या बहाना मारे, हम क्या हेलो ब्रो, मैं स्ट्रेंजर्स को अपना नंबर नहीं देता। भाई हमारी टीम के जो 3 नंबर थे ना हाइड्रा जी, उनको कोई ठेल दिया था जो नंबर मांग रहे थे भाई साहब, तो यहाँ आके देख रहे केडी भाई देवता आराम से गुजिया खा रहे थे, तो हम इनको ठेल देते हैं। भाई उधर पे सामने बंदे, उधर पे चलो ना, सामने बंदे उधर पे चलो। अब भाई कहीं नहीं जाएंगे, अब यही रुकेंगे, कहीं से जोन यही बनेगा। तब तक बाहर देख रहे जोन से बंदे दौड़े दौड़े पैदल पदयात्रा करते हुए चले आ रहे थे, तुरंत भाई साहब को प्रसाद दे दिए। और कौन है भैया, फेस रिवील करिए जल्दी। अच्छा एक आदमी वो भी है, इधर आइए इधर आइए, जोन में आइए, जैसे इनको प्रसाद देने जाते हैं हमको ही मिल जाता है, मजा आ जाता। ये देख लो भाई साहब 4 नंबर को मजा आ रहा है, अपनी टीम में यहाँ तो नसुड्डे बैठे हुए हैं। भाई इधर हमारा गुली गुली चल ही रहा था, तब तक एक गाड़ी हवा में उड़ते हुए आती है और टिप्पक खा के नीचे गिर जाती है। अरे भाई साहब अब छोड़ क्यों दिए भाई, जल्दी हाथ लगाओ। भाई बंदा आ गया ना छत पे को गाड़ी लेके। अब भाई एनिमी भी इतने महान कि बम बम फेंक रहे हैं, सब अपने ऊपर फेंक ले रहे थे, हम क्या फेंकते रहो, अब बताते तुम लोग को। अब भाई हम नीचे आए चेक करने, तब तक भाई साहब 4 नंबर को प्रसाद मिल गया। अब भाई इनका हम गुली गुली कर ही रहे थे और बंदे लाठी उठी लेके आ गए हमला करने। भम्मा भम्मा भम्मा, चलो ऊपर,
तुम भी आजा बेटा। भम 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 चलो पर। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे हमसे जो टकराएगा वो गुइया के खेत में गिर जाएगा। अरे जो करेगा कार्टून से छेड़छाड़, उसके देंगे हम गुर्दे फाड़। तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। मिलते हैं कल हम सड्डे 12 बजे। बाय बाय।